आज आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा सलेंसर जो आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। तो मैं फ़िलहाल दिल्ली में हूँ, दिल्ली में करोल बाग में अपना स्वैगमैन वालों के पास में, उनके पास एक कमाल का सलेंसर उन्होंने बनाया है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले दिखाते हैं उसका साउंड, फिर करते हैं आगे की सारी बातें। स्वैगमैन वालों की खुद की बाइक है और उन्होंने खुद काफ़ी अच्छे शौकीन है और उन्होंने काफ़ी अच्छा मॉडिफिकेशन भी अपनी गाड़ी में कर रखा है। जैसे कि आपको यहाँ पर ये क्रोम दिखेंगे, स्टेनलेस स्टील का लेग गार्ड दिखेगा, शीशा लगा रखा है और यहाँ पर उनकी है शॉप। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनका पूरा एड्रेस प्रोवाइड करा दूंगा, आप बिल्कुल वहां से डायरेक्ट आ सकते हैं या फिर सीधे लिख सकते हैं स्वैगमैन सैलेंसर करोल बाग में, आपको नेविगेटर में सीधे लोकेशन मिल जाएगी। तो यहां पर हमारे पास सैलेंसर है तो इसको लगा के एक बार देखते हैं कि साउंड कैसी है। इस क्रोम देख सकते हैं आप, इसको क्रोमिंग कितना ज़बरदस्त क्रोमिंग है स्वैगमैन वालों का है। एक बार स्टार्ट करते हैं इसको, एक बार स्टार्ट करके साउंड सुना देते हैं। आपने साउंड सुना, अब बात कर लेते हैं कि स्वैगमैन वालों का इसके बारे में क्या है, इसको कैसे बनाया और क्या चीज़ें मद्देनज़र में रख के बनाई है। हेलो दोस्तों, आज हम एक साइलेंसर लेकर आए हैं उनके लिए जिनको चेंज तो करना था मगर वो संभव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनको चलान का थोड़ा सा डर था कि कहीं पुलिस वाले चलान ना कर दें, लाउड ज़्यादा ना हो जाए। तो उसके लिए हम एक सॉल्यूशन लेकर आए हैं और उन बंदों के लिए जो चाहते हैं कि हमें जो फील नहीं आ रहा बुलेट चलाने में और साइलेंसर चेंज करना चाहते हैं मगर नहीं कर पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ साउंड, तो उनका भी एक सॉल्यूशन है ये कि उनको फील भी आ जाएगा और जो चाहते हैं कि हमें मॉडरेट चाहिए कि थोड़ा सा अप बेस आए, थम पाए, ज़्यादा साउंड ना आए, तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने नया बनाया। ये हमने साइलेंसर बनाया, इसके अंदर हमने लास्ट टाइम की तरह ही परफोरेटेड ट्यूब ली है और सिरामिक वूल ली है, आप ये देख सकते हो। ये क्रोम फिनिशिंग में इसमें कलर दोनों अवेलेबल है, ब्लैक भी और ये क्रोम भी। इसके अंदर बेनिफिट ये है कि जो आप ओरिजिनल में आपको साइलेंसर में प्लेट आता है ये वाला, तो ये प्लेट भी आप इस पर लगा सकते हो, ये आपका वापसी लग जाएगा इस पर प्लेट, सॉरी ये प्लेट आपका इस पर वापसी लग जाएगा, ये प्लेट भी आपका लग जाएगा जिससे आपकी पहले वाली जो प्लेट है वो काम आ जाएगी। दूसरा कि इसमें जो बेस है, जो थंप है, वो आपका ओरिजिनल से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब कि किसी को डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, आप अपना एंजॉय कर सकते हो। जो बुलेट का एक फील आना चाहिए BS4 में जो थोड़ा कम है उस फील को भी आप एंजॉय कर सकते हो और कोई भी मतलब कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके अंदर जो साउंड है वो थोड़ी सी उससे ज़्यादा है, वो ज़्यादा नहीं थोड़ी सी ज़्यादा है। इसमें कलर वेरिएशन हमारे पास दोनों है, मैं दूसरा ब्लैक आपको दिखाता हूँ। नहीं एवरेज डाउन होगा और माइलेज आपका सब सेम रहेगा, माइलेज में एवरेज में पिकअप सब कुछ सेम रहेगा, पिकअप थोड़ा सा प्लस में जरूर जाएगा ये मैं कहता हूँ, बाकी माइलेज आपका सेम रहेगा। ये सेम इसमें ब्लैक वेरिएशन निकाला है और इस बार जो हमने कोटिंग ली है ये हमने ब्लैक टेक्सचर लिया है, प्लेन ब्लैक नहीं ली, ये ब्लैक टेक्सचर लिया है। इस पर आप फील करेंगे टच करके तो ये आपको टेक्सचर मिलेगा। ये आप देख सकते हैं जिनका ये जो आपका बाइक आया है स्टेल्थ ब्लैक फुल ब्लैक है उनके लिए ये अच्छा है, बाकी अगर आप चेंजेस चाहते हैं तो आप उसमें ये कर सकते हैं। और सेम वही प्लेट आपका इधर लग जाएगा पुराने वाला, वो प्लेट इस पे लग गया और ये साइलेंसर। इसमें ये है कि आप जो एंजॉय करना चाहते हैं कि हमारे को बुलेट में वो फील नहीं आ रहा जो हम पहले यूज़ कर रहे थे या पुरानी बुलेट में सुनते थे, अब की जो बुलेट्स आ रही हैं उनमें मतलब कि साउंड उन्होंने डेसिबल लेवल से नीचे रखा है और उसकी वजह से बिल्कुल भी उसमें फील नहीं आता कि हम कुछ राइड कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमने मतलब कोशिश पूरी करी है कि उन भाइयों के लिए या उन स्टाफ मेंबर के लिए जो हाई क्लास में और वो बुलेट चला रहे हैं और उनको चाहिए कि कुछ फील आना चाहिए, तो उनके लिए हमने ये मॉडल मतलब निकाला है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हमने पहले भी साइलेंसर में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया क्वालिटी में बिल्ट में, तो इस बार मैं आपको चेक कराना चाहता हूँ कि ओरिजिनल का वेट कितना है और हमने जो बनाया उसका वेट कितना है। ये ओरिजिनल साइलेंसर है विद क्लैंप्स, ये आ रहा है अप्रॉक्स 4 kg 800 grams।
इसका मैं आपको जो दोस्तों हमने ये बनाया है इसका नाम रखा है रेप्लिका, रेप्लिका इस मॉडल का नाम रखा है। मैं इसकी क्वालिटी और आपको वेट आपको चेक करा देता हूँ। विदाउट प्लेट है 5 kg 250 grams और ये ऊपर जो प्लेट लगना है 5 kg 600 grams। दोस्तों हमने कहीं पे कोई कोशिश नहीं करी कि मतलब कि क्वालिटी में कहीं पे कोई कमी आए, हमने प्रॉपर पूरा रखा है कि क्वालिटी में कहीं कोई कमी ना आए। क्रोम अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल कोशिश करिए क्रोम दिया जाए, आपको प्रॉपर वो फील आए कि हमने जो प्रोडक्ट लिया है वो हमने सही लिया है, हमको ओरिजिनल से थोड़ी सी ज़्यादा बेस आ रही है। अच्छा दूसरा इसके अंदर आपको माइलेज का कोई इशू नहीं आएगा, पिकअप आपका इंक्रीज होगा, माइलेज आपका रिमेन रहेगा। ये इसका ब्लैक वेरियंट है, फाइव के जी 140 grams। दोनों के बेल्ट में फर्क रहता है, इस कारण दोनों कलर में ये डिफरेंस आया, मगर ओरिजिनल से फिर भी ये थोड़ा सा हैवी है क्योंकि हमने कोशिश करी है कि आपको जो चीज आप ले रहे हो वो पूरा वर्थ रहे, क्वालिटी आपकी प्रॉपर पूरी रहे। इन एक्शन दोस्तों इसका नाम हमने रेप्लिका रखा है, तो अगर आपने इसको परचेज करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है वहां से आप कर सकते हो व्हाट्सएप क्वेरी रेज, हम आपको कुरियर कर देंगे। दूसरा अगर आपने नंबर नोट करना है आप नंबर नोट कर लीजिए 9810111 3780। बाकी दोस्तों मैं ये कहूँगा जो हमारी ऑडियंस है भोनू सागर जी की ऑडियंस है स्टे ट्यून्ड, हम जल्द ही एक नए मॉडल के साथ आने वाले हैं जो कि मैंने कॉपी बनाया थाईलैंड के एक साइलेंसर से, तो वो मैं उजागर करूँगा शॉर्टली इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।